नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कायापलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर क्या असर हुआ, देखिए आज के इस खास एपिसोड में। पंजाब में पुलिस बल को मजबूत बनाने का काम जारी है। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ दिवस पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने 461 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। म्युनिसिपल भवन में नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं ने हमें जुल्म, नाइंसाफी और दमन के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने नए कर्मचारियों से अपील की कि वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पंजाब पुलिस जोश और होश के संतुलन के साथ काम कर रही है। बहुत किस्मत वाले ऐसे कोले जोश ते होश पंजाब पुलिस कोले दोनों साडे कोले हैगे। साडे कोले टेस्ट मैच प्लेयर भी है जिन्होंने लंबियां पारियां पंजाब पुलिस दे परिवार दे वजों वख-वख जिलों दे मुखियां वजों आईजी वजों फील्ड दे विच निभाईयां ने। साढ़े कोल वनडे प्लेयर भी है और साढ़े कोल T20 वाले नौजवान ऑफिसर भी है और तुसी बेंच स्ट्रेंथ बन के आ रहे हो। तो मैं लगता जी टीम एक टीम दे वांगू खेडे तो टीम दे विच एकता होवे तो कप्तान जिहड़ा वो सिर्फ एक कह के ग्राउंड लेके जांदा होवे कि अज जितने जितना है तो कदे हार नहीं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वो हर वक्त उनके लिए उपलब्ध हैं। सारे जिन्हें भी ऑफिसर साहबान बैठे हैं, सुभाष जी बैठे, हरप्रीत जी बैठे, मैं क्योंकि हर रोज मिलता रहता, ये नहीं है कि मैं कितने होर बिजी हाँ, पुलिस मिलने तरस रही, ऑफिसर से डिसीजन दिया फाइलां पेंडिंग पईयां ने, वो डिसीजन दी फाइलां लेके घूम रहे ने, महीना महीना मिल ही नहीं रहा कोई, सारा काम ही खड़ गया, इस तरह का नहीं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमें गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए लोगों की सेवा उत्साह के साथ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते इसी राह पर चल रहे हैं। पंजाब के लोगों ने एक मैंडेट दिया है, एक पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों ने मैंडेट तो बाद जिम्मेवारी मिली है, बींग ए स्टेट हेड मेरा फर्ज बनता है कि हर परिवार के हर एक वर्ग को खुश रखिए, उन्होंने तरक्कियों में योगदान पाइए, जिहड़े स्टूडेंट ने उन्होंने पढ़ने का माहौल देिए, जिहड़े पढ़ चुके ने उन्होंने डिग्रियां मुताबक रोजगार देिए और जिन्होंने रोजगार मिल चुके हैं नौकरियां उन्होंने नौकरियों होर वड्डा करन दा एक माहौल सिरजिए। जिवें कि असीं फैसला किया है कि पंजाब दे विच असीं घट्टो घट 8 UPSC सेंटर खोलांगे जिथे फ्री दे विच सारयां नूं कोचिंग जिहड़ी है वो UPSC दी मिलेगी, ताकि पढ़ते पढ़ते नाल IPS नाल IAS नाल IRS वो भी तुसीं किताबां पढ़ते पढ़ते अपनी तरक्कियां करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कैडर में नए भर्ती हुए हवलदारों को नियुक्ति पत्र दिया जाना खास मौका है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के इतिहास में पहली बार हवलदारों की सीधी भर्ती की जा रही है। CM ने नियुक्ति पत्र पाने वालों को शॉर्टकट से बचने की सलाह दी। 540 जिहड़े वख-वख डिपार्टमेंटां दे नौजवानां नूं नौकरी मिली है, मैं यही गल कहना हुंदा कि तुहाडी पहली नौकरी नहीं ते ना आखरी है, इस नौकरी नूं इक पौड़ी बनाओ, उपर जाना हो रहा है बहुत ज्यादा और मेहनत सब तो शॉर्टकट रस्ता है।
कई बंदे होर शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, सिफारिशों वाला जां रिश्वत वाला, वो नहीं जाता कितने, वो कितने कितने जाके डेड एंड आ जाता, तो फिर फस जाने भी कितने जाइए। मेहनत वाला रास्ता हमेशा कितने कितने जाके जीटी रोड पर निकल ही निकलता। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस को मॉडर्न बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस का खास तौर पे नवीनीकरण, पंजाब पुलिस नु अपडेट रखने लिए कोई बजट की कमी नहीं। पहली बार होया है कि पंजाब पुलिस नवीं ब्रांड न्यू लेटेस्ट गड्डियां, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर का अपडेट जिहड़ा और आईए नाल लेके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाल आऊगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन्हें थोड़े तो सामना होगा ज सामना होंगे हर रोज जो क्रिमिनल्स वो अपडेट होए हुए हैं। पंजाब पुलिस उन्होंने को पिछे ना रहे, पंजाब पुलिस उन्होंने दो कदम अगे होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन च भी, उन्होंने ट्रेसिंग दे विच भी, और जदों कोई सामना हो जाए कोई ऐसे आंसरों का तब बहादुरी नाल लड़ने। पुरानी सरकारों के कामकाज का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस ने काफी मुश्किल दौर झेला है। आमतौर पर की होता है, बहुत आसान है, सब तो आसान काम है जो मैं अपने देश की गल कर लें, अपने देश की सब तो आसान काम यह है कि पुलिस को बदनाम कर, बड़ी सब तो सौखा काम यही है, बस पुलिस की गल नहीं, कितने कोई झगड़ा हो गया सस नूह का, उत्थे कोई पतीले भांडे चकले वेलने चल पे, पुलिस की कर रही थी, बड़ा कहना सौखा है, हर किस्म का झगड़ा तुहाडे कोले आऊगा, कोई जो तुम फैसला कराओगे एक तो खुश हो एक दूजी तो कहो कि पुलिस नहीं कोई सी, मेरे को आते रहे बहुत हूँ भी आते, पुलिस परचा दर्ज नहीं करती, दूजे कहते पुलिस ने परचा दर्ज कर लिया, ये झूठा है। सो बड़ा सौखा है बदनाम करना, पर जो अपने को इन्वेस्टिगेशन इस तरह की हो गई हाई लैवल की जिस तरह तुम अज उन्होंने कुर्सियों संभालने जा रहे हो, तो फिर लोगों का विश्वास इस गल से बढ़ूगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सही है, गलत वाला गलत है सही वाला सही है। सरदार भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार में पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं है। मैं पता है पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा पैंदा सी पुलिस पे, थाने च लोग किसे चिट्टा बेचने वाले नूं फड़ा के आउंदे सी, विआह चिट्टा बेचदा सी फड़िया जी पिंडे नूं ते परचा पाओ, इन्हें नूं फोन आ जांदा सी किसे तहां तों अपने ही बंदा छड़ दो, तां ओह छड़ना पैंदा सी, छड़ना की इहनूं घरे छड़ के आओ कहिंदे सी नाल, पुलिस वाले तो जिप्सी छड के आते बस से जाते जे फड़ा आए सी, जिन्हों फड़ा आए सी वो पहला पिंड पहुंचा होंदा सी, जिहड़े फड़ा गए वो बाद च आते, फिर विश्वास टुट जाते सी, लोग रले हुए ने, रलिया कौन होया भी, रले तो ताले हुए ने, रले तो राजनीतिक लोग रले हुए ने, उन्होंने समगलर गैंगस्टर बदनाम पुलिस हो गई। सो असी यह सब तो पहला कट किया, सारे ऑफिसर साहबान की मीटिंग जो भी होंगी यही कहने से गलत परचा नहीं पाना, भावें जी मर्जी पार्टी का हो राजनीतिक परचे नहीं पाने, झूठे परचे नहीं पाने, अपने को जोड़े सही परचे है उही संभाले जान, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उन्होंने जोड़े दोषी ने उन्होंने ही जी इंसाफ तक पहुँचा दिए, जोड़े परिवार धक्का हो बहुत है। पंजाब पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि पुलिस के पास हर आधुनिक सुविधा मौजूद हो। सीएम ने बताया कि अब उनकी सरकार के अच्छे कामों की चर्चा जनता के बीच होने लगी है। एक पत्रकार ने जो मिला वो कहना जी बाकी जो मर्जी, बिजली के बिल फ्री हो गए, आम आदमी क्लिनिक खुल गए, स्कूल बहुत सोने बने जाते हैं, खेतों च पस्सियां च पानी आने लग गया 25-30 साल बाद, पर सब तो वधिया जिहड़ी गल मनी गई वो लोग कहते झूठे परचे देने बंद हो गए, घटो घटे छुटकारा मिले लोगों को भी पुलिस। सो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया की पुलिस को मैं चाहना
पंजाब पुलिस को होगा। कोई बजट की कमी नहीं, कोई किसी किस्म का, क्योंकि 3.5 करोड़ लोगों के चैन सुख से चैन की नींद जी है वो अपने हाथ च है। उत्तों 550 किलोमीटर बॉर्डर है इंटरनेशनल पाकिस्तान, उधरों हर रोज़ ड्रोन, हर रोज़ कोई ना कोई उधरों शरारत वो भी संभालियां ने। पंजाब पुलिस को फ्री हैंड देने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थीं। जिहड़े उन्होंने पाले हुए सी पुराणियां दे लीडर दे गैंगस्टर, जेल आ हो गया, जेल च आई नहीं होया, जेल च हो गया, पेशियां ते जांदे नूं आ मिल गया, उत्थों आ मिल गया। सो बहुत चैलेंजेस ने पुलिस दे, बट जे ये ताईं ठीक हो सकदे ने जे फ्री हैंड मिलेगा, अफसरों को उन्होंने काबिलियत मुताबक काम करने का माहौल मिलेगा। जे अफसर को यही नहीं पता लग रहा कि मैं जिहड़ा बंदा फड़िया है ये हक च दो फोन आ गए, ये विरुद्ध भी दो आ गए, उत्तों मैं मन्ना की दी जो तो पावर सेंटर चार चार पाँच पाँच हो जाएंगे तो फिर डिसीजन किमें होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया कि किस तरह से उनकी सरकार ने अपराधियों और पुराने नेताओं के नेक्सस को तोड़ा है। मेरे मित्र और आईएएस अफसर, मैं एज एन आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड रहे हो, उन्होंने भी पूछा कि मैं चलती है नौकरी को की करिए, बठिंडे लाए हुए हैं, मैं एक पटवारी को फड़दा रिश्वत लेंदे, पहले बापू जी का फोन आ जाता है कि हजे कुछ नहीं करना, फिर कहना घर वाली का फोन आ जाता है भी सस्पेंड कर दो, फिर कहना मुंडे का फोन आ जाता है भी इनू प्रमोट करके ना कानूगो बना दो, फिर कहना बीबा जी का फोन आ जाता है तो कहते जो हज हूँ तक तिना ने कहा सारे कैंसल रखियो, फिर कहना साले का फोन आ जाता है भी बंदा ही अपना है तां इहदी ड्यूटी जिहड़ी है वो इधर साढ़े वाले जिले कर, कहना फिर एक अद्धा होर फोन आ जाता है भी थोड़ी हिम्मत कमी हुई इन्हें पंजा का फोन सुनने की हल्का तो मेल है, वो कहता जी फिर शाम तक मैं पटवारी तो माफ़ी मांग के घर जाना कि भरावा गलती हो गई तैनू पड़ेगा। इधर पंजाब पुलिस के हर कर्मचारी की भावनाओं को महत्व देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने इसे कितनी गंभीरता से लिया है। सारे दिन चौंक ते खड़ा के दुनिया भर का धुआं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड अंदर जाती है, उसके बाद शाम को उम्मीद करते हैं श्रीमान जी को केमिकल हो गई, तुम भी तो बंदे हो, तुम भी इंसान हो, तुम भी किसी के चाचे ताए किसी के बच्चे के पिता हो, तुम किसी माँ के पुत हो, तुम इंसान समझा जाओ। सो सब तो पहला असं अनुसार यही किया कि ईजी करिए जो डिप्रैशन चली गई अभी तो बाद पुलिस काम का भार घटाइए, थोड़ा ईजी करिए जॉब न ताकि जॉब पर जाने वेले खुश रहन, जॉब पर जाने वेले मत्थे त्योड़ियां ना पैन। चंडीगढ़ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पुराना किस्सा भी सुनाया। मैं पता मैं कि तो शो वगैरह करके आ रहा रात को, तो दो तीन पुलिस वाले ने हाथ दिता वैसी सी नाके ते नहीं सी वैसी खड़े सी परदी सी, उन्होंने तो वैसे नॉर्मल हाथ दिता तो मैं गड्डी च बिठा ली, उन्होंने ही नहीं पता सी गड्डी की है। तो मैं पूछा मैं जी किधर चले हो, अजे तक नेरा सी गड्डी च, कहीं पूछो ही ना जी बस किधर चले हैं, बुरे फंसे हुए हैं, चल मैं लाइट ला दी, मैं भगवान ओ तू मान सा होगा दर्शन हो गए फलाना, मैं चलो दस दू किधर चले, वो कह नाभे तो चढ़ी सी नाभे तो मैं चंडीगढ़ में आता, कहें जी कैदी की पेशी उड़ता के जेल छड के जाऊंगा जाके एक दिन मेहनत करूंगा कि फड़ लो मेरे थां ते यार तू कर ला जवाक का जन्मदिन है कल मैं वो मना लूंगा तो तू मेरी थां ते कर ले जिद्दे तेरे जवाक का होया मैं कर लूंगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार में विशेष मौकों पर हर पुलिसकर्मी को बधाई संदेश देने की परंपरा शुरू की गई है। अनुसार ऐसी फैसला किया, सब तो पहला था सारी पुलिस के जन्मदिन लेके एक शानदार जिहड़ा कंग्रेचुलेशन दा बधाइयां दा कार्ड जिहड़ा हरेक पुलिस वाले दे करें, डीजीपी साहब दे साइन ने ते मेरे साइन ने, बधाइयां दा जांदा है कि तुहाडे पापा तुहाडे जिहड़े बेटे जां तुहाडे जिहड़े परिवार के मेंबर ने वो साडी पंजाब पुलिस दी बहुत वधिया ड्यूटी कर रहे ने, अज उन्हां नूं जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाई। कार्ड आउंदा ना पहला तो एक घटाइए जी काम, मैं कहना कि तुसी कंप्यूटर या रोबोट नहीं है, पर जे तुहाडे हाथ च कंप्यूटर या रोबोट दे दिए तुसी उन्हां नूं पांच गुणा काम लै लोगे। ये गल अच्छा फिर असी क्या भी मुंबई पुलिस वांगू जिवें मुंबई पुलिस वास्ते हॉलीवुड एक शो करता है हर साल, उमंग हुंदा उहदा नाम, कि वह राखी करते हैं सारे की, तो वह बॉलीवुड की सारी स्टार जिहड़े ने आप भी शुरू किया, पीए विच किया गुलदस्ता, घट्टो घट पुलिस वाले तो उन्होंने परिवार के मैंबर वो भी कदे वधिया सोहने कपड़े पा के बच्चों नाल आउण, एक गैस्ट के तौर पर बैठन उत्थे, दर्शक के तौर पर इंजॉय कर, जदों कोई शो होंदा, जदों कोई दिवाली है, जदों दशहरा है, जदों 26 जनवरी, जदों 15 अगस्त, लोगों को छुट्टियां, अपनी ड्यूटी सारी। सो इस करके ये काम जिहड़ा असीं शुरू किया उहदे बहुत वधिया रिजल्ट आ रहे हैं, पुलिस खुश है, पुलिस वाले इस गल्लों खुश ने, घट्टो घट सानू भी इंसान समझा जा रहा है। पंजाब में लगातार की जा रही भर्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। साड़ी नफरी भी बधाई जा रही है, नफरी 2002 च भी होनी सी, 2022 च भी होनी, 80,000 बधाउंदे ही नहीं है कि गल भी क्राइम बढ़ गया है, किन्नी पापुलेशन बढ़ गई, पुलिस विच क्यों नहीं भर्ती होंदी, क्योंकि जिन्नी क्राइम बढ़ी जाऊगा पापुलेशन बढ़ जाऊगी, पर हैड तुहाडा जिहड़ा प्रैशर वो बढ़ी जाऊगा। जे किसी हॉस्पिटल डॉक्टर मतलब मरीज बढ़ते हैं, डॉक्टर उन्नी ने तो पर डॉक्टर जिहड़ा है मरीज चेक करने का टाइम घट जाता ना, जे एक डॉक्टर 5 मिनट देता है तो 2 मिनट तो आजगा जो दुगने आने लग गए मरीज। सो इस करके असी जिनी भी साड़ी ऑफिसर टीम है बहुत ही सारे का आपस के तालमेल है, और आपस के सारे का बहुत एक दूजे को गाइड कर भी है, सीनियर तो सीखते हैं, असी भी कहा कि सीनियर तो सीखो, उन्होंने ये राह देखिया हुई औखिया राह काले दिन भी देखे हुए, तो उदों तू सीखोगे किवें जिहड़ा इन्हां औखे राह भी दी लंघना। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पुलिस प्रो पीपल पुलिस है, पब्लिक नू तंग नहीं करना, प्रो प्रो पीपल पुलिस बन जूगी तो लोग जिहड़े ने वो पंजाब के लोग तो खास तौर पर गुरुआं की धरती है, शहीदां की धरती है, साडे तो लोग वैसे भी मतलब इज्जत देना मेजबानी तो अपने खून च है। सो मैनू इस गल की खुशी है कि अज 150 नवे हैड कॉन्सटेबल भर्ती हुए हैं, और जिहड़े मर्जी फील्ड च आओ तो वो अगे तुहानू टॉपर ही मिलनगे। सो मिलजुल के काम करना, और मैं नाल ये भी कहना मैं जिहड़ी कुर्सी पर बैठोंगे बहुत अहम है, कोई कुर्सी छोटी नहीं होंगी, तुसी ये सोच लो कि जिहड़ी कुर्सी ते बैठोगे ओदी जिन्नी इज्जत है उस कुर्सी दी, तुहाडे बैठण नाल ओह इज्जत वधे कुर्सी, तुहाडे बैठण नाल उस ओहदे दी इज्जत घटे ना। जिन्ना मैनू माण बख्शता लोकां ने, मैं परमात्मा अगे अरदास करना, परमात्मा इदू वध भावें इज्जत ना वधाई पर जिन्नी बण गई बचाई रखी, इदू वध इदू घटाई ना बस, क्योंकि किसी भी चीज़ के टॉप पर जाना बहुत सौखा होता है पर उत्थे रहना बहुत औखा होता है। सो तुसी शिखर पर पहुँचोगे, शिखर पर रहना है, और पंजाबी हैं एक नंबर तो घट अपन कोई आउंदा ही पसंद नहीं, कित्थे कित्थे है पंजाबी, जे कोई फेल पंजाबी दुनिया भर से दस दो कोई फेल पंजाबी मिलता होगा तुहानू, अभी तो जिहड़े मुल्क च गलती नाल भी चले जाइए उत्थे भी कामयाब हो जाने। पुलिस विभाग में की जा रही महिलाओं की भर्ती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बहनें पुलिस फोर्स ज्वाइन करती हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। मैं तो बड़ा मैंने खुशी होती है जो हर एक डिपार्टमेंट जो साड़ियाँ धीं भैन बैठी ने
ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੀ ਏ ਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸ ਡੀ ਓਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀਆਂ ਟੌਪ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਵਰੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये उनके लिए बहुत ही मान और संतोष की बात है कि अब तक 40,000 से अधिक नौजवानों को केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि नए भर्ती हुए नौजवानों को अधिक से अधिक लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।